अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी आज हम देखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और क्या होते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग्स टू अ वर्ड क्लास कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी हर वर्ड का एक क्लास होता है, कैटेगरी होती है, तो उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशंस। सबसे पहले नाउन देखेंगे, उसे उर्दू में कहते हैं इस्म। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी कि किसी भी शख्स, चीज़, जगह और जानवर वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्स, बॉय, साथ, ये किसी पर्सन का नाम है। केक, विलेज एंड गार्डन। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, यानी कि उसे उर्दू में कहते हैं ज़मीर। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन, यानी कि नाम के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर हम नाम के बदले क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ही, शी, इट, वी, दे, हिम, हर, दिस एंड दैट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ही, शी और इट कहाँ यूज़ किया जाता है। ही इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नेम्स फॉर मैन एंड बॉयज़, यानी कि आदमियों और लड़कों के नाम की जगह हम ही यूज़ करते हैं। उसी तरह शी इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नेम्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, यानी औरतों और लड़कियों के नाम की जगह हमें प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो है शी। इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नेम्स फॉर थिंग्स, बर्ड्स और एनिमल्स, यानी कोई भी चीज़, कोई परिंदे या कोई जानवर के नाम की जगह हमें यूज़ करना होगा प्रोनाउन तो वो है इट। इसके बाद देखेंगे हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, जो के हैं वर्ब। उर्दू में उसे कहते हैं फेल या काम, कोई भी काम। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शंस, यानी कि जुमले में जो काम बताता है वो वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल, क्राई यानी रोना, रीड पढ़ना, राइट, रन, वॉक, टॉक, सिट एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन हो रही है, यहाँ कुछ काम हो रहे, तो उसे कहते हैं वर्ब। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव्स, यानी कि सिफत। अगर शॉर्ट में समझे तो किसी की खूबी या खामी बयान करना। एन एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स अ नाउन, यानी कि जो जुमले में किसी की सिफत बताता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन, टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, स्वीट एंड एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो के हैं एडवर्ब यानी मुतालिके फेल। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब और एन एडजेक्टिव्स, यानी के जुमले में वो अल्फाज जो सिफत या फेल या काम में इजाफा करे, यानी उस काम के बारे में और बताए। फॉर एग्जाम्पल, स्लोली, यानी अगर हमको बताना है कोई वर्ब, यानी कि चलो मान लेते हैं चलना, कैसे चलना, स्लोली चलना या क्विकली चलना, यानी फास्ट चलना या आहिस्ता चलना, तो इसे कहते हैं एडवर्ब। उसका और एग्जांपल है लाउडली, लेट और सून। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, यानी कि हुर्फे जार। प्रीपोजिशन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट शोज़ लोकेशन, पोजिशन, टाइम और डायरेक्शन, यानी कि जो जुमले में जगह, सिमत और वक्त बताता है उसे हुर्फे जार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट, इन, ऑन, अबाउट, टू, फोर, अंडर, बिहाइंड, ये सारे क्या है, हुर्फे जार है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन, यानी कि हुर्फे अतफ। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, जो अल्फाजों या दो जुमलों को जोड़ता है हुर्फे अतफ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड यानी कि डे एंड ना, बिकॉज, सो, देयरफॉर, सिंस, बट, अंटिल और एंड एक्सेट्रा। लास्ट और आठवां पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, यानी कि हुर्फे फिजाइया।
इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, यानी कि जो अल्फाज अचानक होने वाली खुशी, गमी या हैरत को जाहिर करता है. फॉर एग्जाम्पल, वाओ, आह, अलास, हुरे, उफ, उप्स. उम्मीद है कि आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ गया होगा. और इसी तरह की नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ.